हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो बच्चों, हम लोग आपके साथ इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं कि हम लोग नेटवर्थ या बुक वैल्यू पर शेयर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। नेटवर्थ या बुक वैल्यू का मतलब है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो हम लोग परचेज करने जा रहे हैं, हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि मार्केट में जो प्राइस अवेलेबल है उसके कंपेरिजन में कंपनी के जो बुक्स के अंदर वैल्यूज है वो कितनी है। बुक्स का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि कंपनी की बैलेंस शीट, राइट। देखो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी परचेज करती है, या ऐसे कहो कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी एक्टिविटी होती है तो वो रिकॉर्ड करती है, और उस रिकॉर्डिंग का इफेक्ट डेफिनेटली बैलेंस शीट में आता है। मान लो कंपनी के अंदर कुछ असेट्स परचेज हुई, तो वो असेट जो हैं परचेज जो है वो उसकी बैलेंस शीट में आएंगी। उसके अलावा कंपनी में अगर इक्विटी शेयर्स नए रेज किए हो गए तो वो भी हमारी बैलेंस शीट में आएगा। प्रेफरेंस शेयर्स रेज किए तो भी बैलेंस शीट में आएगा। कंपनी ने जो प्रॉफिट अर्न किया, उस प्रॉफिट का एक हिस्सा डिविडेंड के फॉर्मेट में डेफिनेटली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा, बाकी जो हिस्सा बच गया होगा उसको हम बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग। वो रिटेन्ड अर्निंग भी बैलेंस शीट में आती है विद द नेम ऑफ द रिजर्व्स एंड सरप्लस, और यू कैन से फ्री रिजर्व। ये फ्री रिजर्व नो डाउट शेयर होल्डर से बिलोंग्स ही करता है, तो शेयर होल्डर के हिस्से में ही आता है। मतलब ये कि कंपनीज ने डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स में जो जो एक्टिविटीज़ की हुई हैं वो सारे के सारे एक्टिविटीज़ बैलेंस शीट में रिकॉर्ड की हुई हैं, और वो जो बैलेंस शीट है वो हर साल कैरी फॉरवर्ड हो रही है। ईयर वन में जो असेट्स हमारी कंपनी ने परचेज की हैं उनको रिकॉर्ड किया, अगले साल में डेप्रिसिएशन चार्ज किया, अगले साल उससे और अगले साल डेप्रिसिएशन चार्ज किया, एंड सो ऑन, इट इज़ कैरीड ऑन। तो आज के डेट में जो बुक्स के अंदर वैल्यूज हैं इन असेट्स की, इन लाइबिलिटीज़ की, उसके अकॉर्डिंग एक शेयर कितना वैल्यू रखता है ये आइडेंटिफाई करना हमारे इस टॉपिक का मेन काम है। हाँ, ताकि हम आइडेंटिफाई कर पाएं कि जो प्राइस हम लोग मार्केट में पे कर रहे हैं वो उस बुक्स वैल्यू के अकॉर्डिंग, उस बुक वैल्यू के कंपैरिजन में कितना ज़्यादा है या कम है। फॉर एग्जाम्पल, कि मार्केट में प्राइस है 500 रुपये का और बुक वैल्यू है पर शेयर 50 रुपये की, तो इसका मतलब ये हुआ कि बुक्स में असेट्स लायबिलिटी को मिक्स करके, असेट्स में से लायबिलिटी माइनस करके जो एक शेयर की वैल्यू बचती है वो बचती है 50 रुपये, जबकि हम लोग मार्केट में 500 रुपये पे कर रहे हैं। तो वी मस्ट हैव ए नॉलेज कि हम लोग मार्केट में जो परचेज करने जा रहे हैं वो असेट्स लायबिलिटी के डिफरेंस से मुकाबले में कितना गुना है। मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा कि अगर बुक वैल्यू 50 की है और मार्केट वैल्यू 500 की है तो हमें परचेज नहीं करना चाहिए, बट वी मस्ट हैव ए नॉलेज फ्रॉम दिस बुक वैल्यू कि हम लोग एक्चुअल में कितना अमाउंट एक्स्ट्रा मार्केट में पे करने जा रहे हैं शेयर को परचेज करने के लिए। इससे हमें आइडिया लग पाएगा दैट हाउ मच रिस्क वी आर बेसिकली गेनिंग फ्रॉम दिस शेयर परचेज, राइट। सो लेट अस स्टार्ट, लेट अस डू दिस टॉपिक, दैट इज नेट वर्थ और बुक वैल्यू ऑफ द शेयर। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? देखिए, बड़ा सिंपल है। नेटवर्थ का मतलब हुआ बैलेंस शीट से। हम लोग पहले कंपनी की किसी एक बैलेंस शीट को बेसिक समझ लेते हैं। बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड होती हैं, असेट साइड होती हैं, तो लायबिलिटी साइड्स के अंदर कैपिटल भी होती है और असेट साइड के अंदर सभी के सभी तरह की असेट्स होती हैं, फिक्स असेट्स, करंट असेट्स एंड इंटेंजिबल असेट्स एंड यू कैन से कैरी फॉरवर्ड ऑफ द लॉसेस, राइट। अब ये जो आपके पास इक्विटी शेयर कैपिटल जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, ये जो रिजर्व एंड सरप्लस हैं, ये सभी के सभी किससे बिलोंग करता है? इक्विटी शेयर होल्डर से, राइट। हमने इन सभी के सभी अमाउंट्स को ऐड कर देना है, और इसके अलावा इक्विटी शेयर होल्डर से बिलोंग करता है वो कैरी फॉरवर्ड लॉस जो कि कंपनी में बैलेंस शीट में ऑलरेडी शो किया हुआ है। तो अगर आप इसमें से ये माइनस कर देंगे, साथ ही साथ एक चीज़ और माइनस करेंगे, दैट इज इनटेंजिबल असेट्स, राइट। वो असेट जो कि फिक्स नेचर के नहीं है, जिसको आप लोग यू कैन से गुडविल टाइप ऑफ एसेट्स, जिसको आपने रिकॉग्नाइज तो किया है बट फिजिकली वो एग्जिस्ट नहीं करती। तो अगर आप ऐसा करते हैं कि इन सभी के सभी वैल्यूज में से ये दो चीज़ें माइनस कर देते हैं, तो जो नेट अमाउंट डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड नेट वर्थ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो नेटवर्थ, जैसे हम लोग बात करते हैं नेटवर्थ की, तो नेटवर्थ का मतलब हमारा ऑनरशिप से होता है कि जो ऑनर्स हैं कंपनी के, शेयर होल्डर्स, उनकी वैल्यू ऑर्गेनाइजेशन में कितनी है। तो हमने कहा बुक्स के अंदर अगर हम बात करें तो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हैं,
फ्री रिजर्व्स हैं, इसमें से हमने दो चीजें माइनस कर दी, तो बाकी जो बच गया दैट इज बेसिकली नेट वर्थ ऑफ द शेयर। इसी के बेसिस पर हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि एक शेयर की वैल्यू कितनी है। पहले इसको एक फॉर्मूले की फॉर्मेट में आपके सामने लिख लेते हैं। तो लेट अस राइट इट डाउन इन द फॉर्म ऑफ द फॉर्मूला दैट नेट वर्थ इज इक्वल टू इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, क्योंकि फ्री रिजर्व भी किससे बिलोंग करते हैं, शेयर होल्डर से। इसमें से हमने क्या माइनस कर दिया, इंटेंजिबल असेट्स एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ द लॉसेस, तो बस आपके पास आ गया नेट वर्थ, राइट। और ये जो नेट वर्थ है यही एक बेस है कैलकुलेट करने का कि एक शेयर की मार्केट के अंदर वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ठीक है। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, बड़ा सिंपल है कि अगर आप बुक वैल्यू पर शेयर आइडेंटिफाई करना चाहते हो, बुक वैल्यू पर शेयर, तो क्या करो, आप इस नेट वर्थ को डिवाइड कर दो नंबर्स ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग से। आई रिपीट, इस नेट वर्थ को आप डिवाइड कर दो नंबर्स ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग से। ये नंबर्स ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग कहां से आएगा, हमने कहा कि जो भी बैलेंस शीट आपके पास है उस बैलेंस शीट में देखिए कि आपके पास नंबर्स टोटल अमाउंट ऑफ इक्विटी कितना है, नेटवर्थ को डिवाइड कर देंगे किससे, नंबर्स ऑफ शेयर से। मतलब हमने कहा जो भी बैलेंस शीट आपके पास है, हम लोग अपनी बैलेंस शीट पे चले जाते हैं, तो यहां पर हमारे इक्विटी शेयरहोल्डर्स हैं, राइट। अब ये जो इक्विटी शेयरहोल्डर्स हैं, हमने यहां पर 10 लाख की वैल्यू कंसीडर की है, तो जो भी वैल्यू आपने कंसीडर की है उसको आप डिवाइड कीजिए फेस वैल्यू ऑफ द शेयर से, मतलब एक शेयर की फेस वैल्यू से। तो अगर हमने ऐसा किया तो इससे हम लोग नंबर्स ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो लाइक हमने कहा 10 लाख की इक्विटी शेयर की वैल्यू 10 से डिवाइड कर दिया, इन दिस वे वी हैव द नंबर्स ऑफ शेयर 1 लाख। तो 1 लाख इज द नंबर्स ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग। तो जितने भी कंपनी ने शेयर्स इशू किए हुए हैं, आप क्या करें, नेटवर्थ को इससे डिवाइड कर दें। मतलब नेटवर्थ हमने पहले से आइडेंटिफाई किया था, इसको डिवाइड कर देंगे नंबर्स ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग से। इस तरह से जो वैल्यू पर शेयर आ जाएगी दैट इज कॉल्ड बुक वैल्यू पर शेयर। मतलब बुक वैल्यू पर शेयर ये शो करती है कि एक शेयर होल्डर का बुक्स में कितना हिस्सा है, राइट। तो अब हम अगर हम बात करें कि हमारे इस एग्जांपल के अंदर कि हमारी नेटवर्थ क्या बन रही है इस एग्जांपल में, तो आई कैन कंसीडर हेयर 10 लाख प्लस 5 लाख प्लस 5 लाख यानी कि 20 लाख माइनस 5 माइनस 2 यानी कि 7 लाख। तो 20 माइनस 7 तो 20 लाख माइनस 7 लाख आपका बन गया है 13 लाख, राइट। तो मैं यहां पर कंसिडर कर सकता हूं कि यहां पर बन जाता है 20 लाख माइनस 7 लाख डिवाइड बाय नंबर्स ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग 1 लाख, तो 13 लाख डिवाइड बाय 1 लाख यानी कि रुपीज 13 पर शेयर, राइट। सो एक शेयर की वैल्यू जो है बुक्स के अंदर 13 रुपए की है। तो आप यहां पर ये अंदाजा लगा लें कि मार्केट में अवेलेबल कितना है। मतलब मार्केट में अगर सपोज करो 20 रुपए की वैल्यू अवेलेबल है, तो हम ये कह सकते हैं कि 20 रुपए अगर मार्केट वैल्यू है तो 13 रुपए तो हम लोग बैलेंस शीट से ही निकाल सकते हैं अगर इस कंपनी को लिक्विडेट कर दिया जाए तो, राइट। दिस इज फ्रॉम द बुक्स, राइट। नो डाउट इसमें भी कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं, नेगेटिव पॉइंट्स को भी हम कंसिडर करेंगे, बट एक बेस हमें चाहिए होता है ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि जो एक्चुअल मार्केट प्राइस है वो कितना हाई है कितना लो है। तो डैट इज बेसिकली बुक वैल्यू पर शेयर। और ये बुक वैल्यू पर शेयर आपको कहाँ से मिलेगा, हम लोग आपके साथ बात करेंगे डिफरेंट साइट से कि डिफरेंट साइट से आप किसी भी कंपनी का ये बुक वैल्यू पर शेयर कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। जस्ट वन मिनट, इससे पहले हम लोग आपके साथ बात करें, इसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर भी ये डिस्कस कर लेते हैं। देखो, हमने बैलेंस शीट को कंसिडर किया, पर बैलेंस शीट के अंदर कुछ आइटम्स और भी होती हैं, लाइक बैलेंस शीट के अंदर फिक्स एसेट्स भी होगी, बैलेंस शीट के अंदर करंट एसेट्स भी होंगे, राइट। बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटीज भी होंगी और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज भी होंगी, और इन्हीं का जो टोटल होगा सम होगा वो डेफिनेटली असेट्स लायबिलिटी का जो टोटल होगा वो डेफिनेटली सेम होगा, राइट। तो अगर आप नेटवर्थ आइडेंटिफाई करना चाहते हो तो जरूरी नहीं है कि आप इक्विटी शेयरहोल्डर्स की वैल्यू के अकॉर्डिंग ही कंसिडर करें। आप एक काम ये भी कर सकते हैं, ये 14 लाख प्लस 6 लाख यानी कि फिक्स असेट्स एंड करंट असेट्स को प्लस कर दें, राइट। और जितने भी लॉन्ग टर्म असेट्स हैं वो भी यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। इसमें से माइनस कर दें ये दो चीज़ें, करंट लायबिलिटीज एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, राइट। तो ये आउटसाइड लायबिलिटीज हैं। तो फिक्स असेट्स एंड करंट असेट्स, लॉन्ग टर्म असेट्स में से लॉन्ग टर्म लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी माइनस कर दें तो भी जो डिफरेंस आ जाएगा उसको भी हम लोग नेटवर्थ ही कहेंगे। तो नेटवर्थ का मतलब चाहे आप लायबिलिटी साइड से शुरुआत करते हैं तो ये आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि शेयर होल्डर्स का कितना पैसा लगा हुआ है, राइट। और अगर आप असेट साइड से शुरुआत करते हैं तो आप ये कह रहे हैं कि मार्केट जो हमारे पास हमारी बुक्स के अंदर हमारी कंपनी ने डिफरेंट असेट्स में पैसा लगाया हुआ है
उसकी बुक्स में वैल्यू गिरती है, उसमें से जो हमने पैसा उधार लिया हुआ है वो माइनस कर दिया, हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारा कितना पैसा हमारी बैलेंस शीट के अंदर शो हो रहा है, विजिबल हो रहा है, ठीक है। तो आप किसी भी रास्ते से आइडेंटिफाई करें, मतलब मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि अगर मुझे फॉर्मूला बनाना है नेट वर्थ का, तो नेट वर्थ कैन बी आइडेंटिफाइड लाइक दिस, नेट वर्थ इज इक्वल टू फिक्स असेट्स प्लस करंट असेट्स माइनस लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज माइनस करंट लायबिलिटीज। तो यहां से भी जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी अगेन नेट वर्थ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और यू कैन से बुक वैल्यू। आप बुक वैल्यू फाइंड करने के लिए डिवाइड कर देंगे नंबर्स ऑफ शेयर से, ठीक है। अब हम किसी भी कंपनी का ये बुक वैल्यू आइडेंटिफाई करेंगे तो कहाँ से देख सकते हैं? देखो, हमने आपके सामने एक साइट ओपन की है, दैट इज screener.in। आप screener.in की साइट ओपन कीजिएगा। इस screener.in की साइट पर जिस भी कंपनी की आप बुक वैल्यू आइडेंटिफाई करना चाहते हैं उस वैल्यू का नाम लिख दीजिए। लाइक मैंने यहाँ पर लिख दिया रिलायंस, आप कुछ भी लिख सकते हैं, यू कैन राइट। तो ऐसा जैसे ही करेंगे तो बहुत सारे नंबर्स यहाँ पर शो होंगे, लाइक मेरे पास यहाँ पर विजिबल है जो मुझे एक्चुअली अभी चाहिए, दैट इज बुक वैल्यू। सो रिलायंस कंपनी की जो बुक वैल्यू मेरे पास यहाँ पर शो हो रही है, दैट इज 478। तो 478 वो वैल्यू है जो कि बुक्स में रिलायंस कंपनी के अवेलेबल है एक शेयर से रिलेटेड। और इसके कंपैरिजन में रिलायंस कंपनी का जो शेयर मार्केट में आज के डेट में ट्रेड हो रहा है, दैट इज 1261। यानी कि 478 1261 आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो 1261 डिवाइडेड बाय 478 तो 2.6359 टाइम्स। तो यहां पर अगर मैं इसको निकालना चाहूं कि 1276 डिवाइडेड बाय 478, सो इसको हम बोलते हैं बेसिकली प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो, राइट। तो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो निकल के आगे 2.6359/1। तो ये प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो बेसिकली क्या शो करती है? ये शो करती है कि मार्केट के अंदर जो आपके पास शेयर ट्रेड हो रहा है वो बुक वैल्यू के कंपैरिजन में कितने टाइम्स है, कितने गुना है, कितना मल्टीपल है। और नो डाउट जितना ये वैल्यू ज्यादा होगी उतना मार्केट के अंदर हमारा जो शेयर है वो ज्यादा वैल्यू से ट्रेड हो रहा है, राइट। तो नो डाउट जितनी ज्यादा ये हाईएस्ट रेशो होगी उतना रिस्क भी ज्यादा है, राइट। बट ये कहना बहुत ठीक नहीं है कि रिस्क ज्यादा है। उसका रीजन है कि मार्केट में जो प्राइस ट्रेड हो रहा होता है वो एक्चुअल में बुक्स वैल्यू के बेसिस पर नहीं हो रहा होता। बुक्स वैल्यू पास्ट बेसिस पे होती है, जबकि मार्केट में जो प्राइस ट्रेड हो रहा होता है वो फ्यूचर की अर्निंग्स के बेसिस पर ट्रेड हो रहा होता है। आपको याद होगा हमने डिविडेंड अप्रोच में बात की थी, हमने कहा था कि प्राइस ऑफ द शेयर टुडे इज इक्वल टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द ऑल द डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन इन फ्यूचर, राइट। तो मार्केट में जो प्राइस ट्रेड हो रहा है, लाइक हमने कहा यहाँ पर रिलायंस का जो मार्केट में प्राइस है वो 1276 है, तो 1276 शो कर रहा है कि फ्यूचर में जो भी रिलायंस कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगी या कैश इन्फ्लोस रिलायंस कंपनी के थ्रू आएगा उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है दैट इज 1276। और जबकि हम लोग बुक वैल्यू के थ्रू ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि पास्ट में जो हमने बुक्स में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है वो कितना है, राइट। तो नो डाउट परफेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, बट उसके बावजूद भी हम लोग ये इसलिए आइडेंटिफाई कर लेते हैं ताकि हम लोग ये आइडेंटिफाई कर पाएं कि बुक वैल्यू के कंपैरिजन में हम कितने गुना पैसा लगा रहे हैं फ्यूचर की अर्निंग्स को ध्यान में रखते हुए, राइट। सो ये हमने आपको कहा दैट दिस नंबर इज प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो इज इंपॉर्टेंट बट नॉट सो रेलिवेंट, राइट, एंड स्पेशली इन केस ऑफ द बैंकिंग एंड NBFC कंपनीज एंड नॉट सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर इज रिफ्लेक्शन ऑफ द फ्यूचर अर्निंग पोटेंशियल ऑफ द फर्म, राइट, विच मे नॉट बी द रिलेशनशिप विच मे नॉट हैव द रिलेशनशिप विद द असेट्स वैल्यू, राइट। यस, अगर किसी कंपनी का, मैंने जैसे कि यहाँ पर एक कंपनी का नाम डिफरेंट बदल दिया, मैंने डाल दिया पेन्नार इंडस्ट्रीज, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर बुक वैल्यू आ रही है 15.85, राइट, जबसे कंपनी का जो करंट मार्केट प्राइस है वो 43.45 का है। वन मिनट,
मार्केट प्राइस कितना है 43.45 और बुक वैल्यू कितना है 51.85। मतलब यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि करंट मार्केट प्राइस जो है वो बुक वैल्यू से भी कम है। मतलब अगर असेट्स लायबिलिटी को लिक्विडेट भी कर दिया जाए तो भी हम लोग मार्केट प्राइस से ज्यादा प्राइस बुक वैल्यू जो है आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। तो प्राइस टू बुक वैल्यू जो रेशियो है वो 1 से भी कम है। 1 से कम का मतलब हुआ कि हम लोग जो है मार्केट के अंदर जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो बुक वैल्यू से भी कम कर रहे हैं। बुक वैल्यू 51.85 एंड करंट प्राइस 43.45। तो हियर वी कैन आइडेंटिफाई कि हाउ मच रिस्क वी आर टेकिंग इन दिस काइंड ऑफ कंपनी। आई एम नॉट रिकमेंडिंग एनी कंपनी हियर, हियर वी आर गेटिंग ऑल दिस कंपनी जस्ट एज एन एग्जाम्पल ओनली, राइट। सो दिस कैन बी द वन ऑफ द बेसिस फॉर कंप्यूटेशन। हम लोग एक ये एक आपके साथ बात डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं कंपनी को एनालाइज करने के लिए, जो कि हम लोग आपके साथ आने वाली वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। दिस वाज अबाउट बेसिकली बुक वैल्यू ऑफ द शेयर, राइट, और यू कैन से नेट वर्थ ऑफ द शेयर। इसके अंदर जो नेगेटिव पॉइंट है उसको भी हम लोग दूर करेंगे आने वाली वीडियो के अंदर। सो दिस वाज अबाउट दिस नेट वर्थ और बुक वैल्यू पर शेयर। थैंक यू वेरी मच।